दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी के मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्विस के साथ एक स्टूडेंट, एक कैंडिडेट किस तरीके से अपनी तैयारी को जारी रख सकता है, अपनी तैयारी को प्रभावी दिशा में ले जा सकता है, जिसे एग्जाम में वो प्रभावी ढंग से अपनी प्रस्तुति दे करके किसी अन्य पद पर, किसी नए पद पर चयनित हो सकता है। हम लोग अगर आसपास देखें, अपने कलीग्स को देखें, अपने साथ पढ़ने वाले लोगों को देखें, तो उनके साथ कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जो तैयारी और प्रतियोगिता जगत में आने के बाद कई ऐसे पद को ले लेना पड़ता है जो उनकी योग्यता से काफ़ी कम होता है, उनके नेतृत्व क्षमता, उनके किसी भी प्रकार की जो है प्रशासन में भूमिका से काफ़ी कम स्तर का होता है। तो ऐसे लोगों के सामने ये समस्या हमेशा बनी रहती है कि वो किस तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखें और किस तरीके से दोनों में सामंजस्य स्थापित करें, जिससे वो किसी उच्च पद पर जा सकें और एक नई भूमिका प्रशासन में, चाहे वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, वहाँ किस तरीके से स्थापित कर सके। तो सर्विस के साथ साथ अपने प्रिपरेशन के बीच में एक संतुलन बनाने की एक जद्दोजहद, एक समस्या हमेशा बरकरार रहती है। तो हम आज आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और टिप्स लेकर के आए हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि इन पॉइंट्स को अगर आप अपनी तैयारी के दौरान अपनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर ना केवल आप अपनी सर्विस को कर पाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने प्रिपरेशन को भी अच्छी दिशा में कर पाएंगे, जिससे आपका चयन किसी अच्छे पद पर, आपके वांछित पद पर हो पाएगा, जहाँ पर आप अपने मनोविज्ञान के अनुसार, अपने सेटिस्फैक्शन के अनुसार आप करने में सफल होंगे। तो इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे समय का प्रबंधन और आपका जो समय बचेगा उसका वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग, चिंतन और मनोविज्ञान, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। और इसके अंतर्गत आप लोग एक एक करके देखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी सर्विस से समय बचाएंगे और समय का किस तरीके से प्रयोग करेंगे, और उन समय में पढ़े हुए चीजों को किस तरीके से आप मेडिटेट करेंगे, अपने माइंड में रखने का प्रयास करेंगे, जिससे आप उसी तरीके से, जैसे कि एक सामान्य स्टूडेंट तैयारी करता है, उसी पैटर्न पर आप अपनी तैयारी को आगे रख पाएंगे। यहाँ समय का प्रबंधन ये सबसे महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सामान्य स्टूडेंट की तरह से आपके पास भी दिन में 24 घंटे का ही समय है, और उस 24 घंटे के समय से आप ये मान के चलिए कि 6 घंटे या 7 घंटे का समय आपको अपनी वर्तमान सेवा के लिए भी निकालना है। यदि किसी भी व्यक्ति के पास 24 घंटे का समय है और उसमें 8 घंटे का समय वो अपनी सर्विस के लिए, चाहे वो ऑफिस टाइम के लिए, चाहे वो टीचिंग में है तो स्कूल टाइम के लिए वो निकालता है, फिर बचे हुए समय का इस तरीके से प्रबंधन करना होगा, जिससे आप अपने उन समय का क्वालिटेटिव ढंग से जो है अपने अध्ययन में और प्रिपरेशन में यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि समय प्रबंधन के अंतर्गत ये चीज ध्यान में रखना होगा कि जो आपके ऑफिस से या आपके स्कूल टाइम के जो कार्य होंगे, उन कार्यों को आपको अपने वर्किंग टाइम यानी कि स्कूल टाइम या ऑफिस टाइम में ही करने का प्रयास करना होगा। क्योंकि यदि इस प्रकार के कार्यों को अपने आवास पर, अपने घर पर ले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पर आपके ऑफिस का कार्य और आपके घर के कार्य में एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, और दोनों में जो है जब इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वहां पे आपका प्रिपरेशन बाधित होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ऑफिस के कार्य को या स्कूल के काम को ऑफिस या स्कूल में ही आपको निपटाना होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका कुछ व्यक्तिगत कार्य भी हो सकता है, आपकी कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं। ध्यान रहे कि आप तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, और आप हर पॉइंट से, हर सेक्शन से एक मिनट, दो मिनट बचा बचा करके ही अपने पढ़ाई के लिए समय बचा सकते हैं। तो आप अपने व्यक्तिगत कार्य को करने के लिए ये मान के चलिए, आप अपने व्यक्तिगत जीवन की जिम्मेदारियों को करने के लिए आप महीने में कुछ दिन निश्चित करेंगे, और उसी दिन में आप एकत्रित हुए सभी कार्यों को निस्तारित करने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं मान के चलता हूं कि एक महीने में 30 दिन का कॉन्सेप्ट लेकर के चलता हूं, तो आप ये मान के चलिए प्रत्येक 10 दिन में मैं एक दिन ऐसा निश्चित करूंगा जिसमें मैं अपने व्यक्तिगत कार्यों को निपटाऊंगा। तो इस तरीके से आपके पास महीने में 10 तारीख, 20 तारीख और 1 तारीख को मिला करके 3 दिन निकल जाएंगे, और आपके पास बचेंगे 27 दिन। तो ये मान के चलिए कि आपको ये 27 दिन में जो ऑफिस के बाद बचे हुए समय है उसका बहुत ही क्वालिटेटिव ढंग से यूज करना होगा, और वो क्वालिटेटिव ढंग से किस तरीके से यूज कर पाएंगे ये आपको अगले दो बिंदुओं में बताया जाएगा। यहां पर
समय का प्रबंधन किया जा रहा है, यानी कि ऑफिस टाइम को जो है आपके ऑफिस टाइम को ऑफिस टाइम में ही निपटाना है, और जो आपके पर्सनल जो कार्य हैं उसके लिए आप महीने में दिन निश्चित करेंगे, और उस अंतराल में कि 10 दिन में अगर एक दिन आपने निश्चित किया है तो 10 दिन में जो भी कार्य आएंगे वो सब आप कहीं पर नोट करते रहेंगे और उसे उसी दिन में निपटाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि अन्य दिनों में आपका जो टाइम है वो फ्री हो सके, जिसमें आप पूरी तरीके से फ्री रह सकें और फ्री रह करके अपने पूरे डिवोशन के साथ पूरे जो है एकाग्रचित हो करके अपने मन से अपने समय का पढ़ाई और प्रिपरेशन में समय दे पाएंगे। तो इस तरीके से आप ये मान भी चलिए कि यहाँ पर आपको 27 दिन के आसपास इस तरीके से मिलेगा जिसमें आप अपने समय का बहुत अच्छी तरीके से बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप पढ़ाई में लगा सकेंगे। तो ये रहा टाइम का प्रबंधन इस तरीके से। दूसरा है वैज्ञानिक ढंग से समय का सदुपयोग। भाई आप चूंकि एक सर्विस के साथ अपने बेहतरी के लिए अपने पद के उच्चीकरण के लिए आप कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपको अपने समय का वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग करना होगा। सबसे पहली बात यह है कि जैसे पढ़ाई के दौरान आपको मोबाइल को बंद करना होगा, उस दौरान आप मोबाइल को आप रखेंगे। ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप ऑफिस के टाइम में ऑफिस के कार्य को निपटा कर आए हो। अगर वहां से कोई काम बचा होगा तो निश्चित तौर पर आप यहां पर ये कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ऑफिस और स्कूल टाइम के कार्य को स्कूल टाइम में ही करने का प्रयास कीजिए। आप पढ़ाई करने के दौरान आप अपने मोबाइल को बंद रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो भी चीज आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसे लास्ट में जो है 5 मिनट का आप समय निकालेंगे और उस 5 मिनट में उसे उसका रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, जैसे आप सेकंड मीटिंग में 7 बजे 8 बजे या 9 बजे के आसपास बैठे हो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो उस टॉपिक को 5 मिनट में उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद रखने से पहले 5 मिनट का समय जरूर निकालेंगे कि उसको उसी टाइम पे हम दोहरा लें। और अंतिम बात यह है कि पढ़ने के बाद वहां पर एक निष्कर्ष उस टॉपिक का जरूर निकालेंगे, और निष्कर्ष इस स्तर का होना चाहिए, संक्षिप्तीकरण इस स्तर का होना चाहिए कि उस संक्षिप्तीकरण का आपके मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव पड़े कि आप दूसरे को समझाने की स्थिति में पहुंचे। पढ़ना एक अलग विषय होता है, समझाना एक अलग विषय होता है, व्यक्त करना एक अलग विषय होता है। तो कहने का मतलब पढ़ लेना ही इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आप उस पर ऐसा सामान्यीकरण बनाइए, ऐसा उसका कंक्लूजन पूरे टॉपिक का निकालिए कि आप दूसरे को समझा सकते हो या उस पर लिख सकते हो। समझाने के लक्ष्य को आपको लेकर के चलना होगा, क्योंकि जब व्यक्ति के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि हमें किसी टॉपिक को दूसरे को समझाना है, तो वहां पर वह व्यक्ति उसको इस तरीके से पढ़ने का, समझने का और तैयार करने का प्रयास करता है कि वह उसे अच्छी तरीके से बता सके, उससे उठने वाले सवालों को वो निस्तारित कर सके, स्पष्ट कर सके। तो यहाँ पर पढ़ने के दौरान ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मोबाइल आपको आप रखना है उस बचे हुए टाइम में, आपको चूंकि क्वालिटेटिव टाइम का यूज करना है, और दूसरी बात यह कि आप सर्विस के साथ दूसरे पद के लिए अपने पद के उच्चीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप में अनुशासन की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत होगी, जो इन पॉइंट्स में आपको देखने को मिलेगा। ये चीजें देखने पे ऐसे प्रतीत नहीं होती, लेकिन करने के बाद एकदम ये मान के चलिए, यकीन मानिए कि इससे आपके जीवन में, आपके प्रिपरेशन में, आपके समझ के स्तर में डेफिनेटली सुधार होना तय है। तो 5 मिनट का आप समय जरूर निकालिए और उन 5 मिनट में उस टॉपिक को जरूर दोहराइए, क्योंकि दोहराए बिना अगर आप बाद में उसके बारे में सोचेंगे तो 60-70% चीजें गायब हो जाएंगी और आपके पढ़ने का कोई अर्थ नहीं होगा। क्योंकि आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आपके पास इतना असीमित समय नहीं है, आपके पास बहुत ही लिमिटेड समय है, इसलिए आपको इन साइंटिफिक पॉइंट्स का आपके तैयारी में यूज करना होगा, यानी कि मोबाइल को ऑफ करना होगा, 5 मिनट में आपको उसे दोहराना होगा और उसी टाइम में आपको निष्कर्ष निकालना होगा, और इस निष्कर्ष में आप उसका ऐसा सामान्यीकरण करेंगे, अपने मस्तिष्क में उस टॉपिक को रखने का प्रयास करेंगे जिससे आप दूसरे को समझा सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर समय का जो है आप इस तरीके से वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करेंगे। और सर्विस टाइम में प्रिपरेशन कैसे करें, उसका जो सबसे मूल पॉइंट है वो इसमें निहित है, जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जैसे मान के चलिए आपके पास 24 घंटे का समय है, 24 घंटे के समय में से आपने 8 घंटे का समय अपने सर्विस के लिए निकाल दिया। मैं ये कहता हूं कि आप जो है 8 घंटे का समय आपके सोने में चला जाता है। अभी आपके पास
8 घंटे का और समय बचा, इस 8 घंटे में से हम ये मान के चलते हैं कि 2 घंटे का जो समय है वो आपके अन्य कार्यों में निकल जाता है, तो अभी आपके पास 6 घंटे बच रहे हैं, यानी कि 8 घंटे आपके सर्विस का निकल गया और 8 घंटे आप जो है सोने में निकालते हैं और 2 घंटे में आप अपने अन्य कार्यों को करते हैं, नहाने धोने इत्यादि खाने पीने की चीजों में निकालते हैं, व्यायाम करने में कुछ समय निकालते हैं, तो भी आपके पास 6 घंटे का समय बचता है और इस 6 घंटे को ही आपको जो है क्वालिटेटिव ढंग से जो है आपको यूज करना होगा। इस तरीके से करना होगा कि उसमें आपका कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई फोन कॉल्स ना आए, और आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप मोबाइल को बंद रखें, जब आप अपने ऑफिस टाइम के कार्य को ऑफिस टाइम में जो है पूरा करने का प्रयास करें। और एक चीज यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए अगर आप एक सामान्य स्तर की समझ रखते हैं तो 6 घंटे का समय पर्याप्त है। अगर एग्जाम के लिए कोई चयन होने के बाद ये बताता है मैं जो है 15 घंटा पढ़ता हूँ, 18 घंटा पढ़ता हूँ, तो ये टोटली गलत बातें हैं। पढ़ने का तात्पर्य यह है कि केवल रटने से नहीं है, शब्दों को लेकर भागने से नहीं है, बल्कि उस चीज को पढ़कर एक समझ पैदा करने की है कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उससे उठने वाले सवालों का जवाब हम कैसे दे पाएंगे। तो आप चूंकि पूर्व में भी तैयारी करके किसी पद को प्राप्त किए हैं तो आपकी एक समझ है, और आप इस 6 घंटे को इस तरीके से क्वालिटेटिव ढंग से उपयोग में लाएंगे कि जिससे आपको उस परीक्षा की तैयारी के लिए किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह जाएगा। तो यहां पर आपको इसी 6 घंटे को तैयार करने की यहां पे जरूरत है। और अगला टॉपिक चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पे टॉपिक बात कर रहे हैं चिंतन की, तो जैसे आपने ये 24 घंटे का एक दिन का अगर समय है, मान लीजिए किसी भी डेट का ये 6 घंटे आपने पढ़ाई किया, जब आप अगले दिन जो है ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वहां पे कई प्रकार के टाइम स्लॉट आपको मिलते हैं, जैसे टी टाइम हो गया, लंच टाइम हो गया, या आप किसी ऐसे सर्विस में हैं जहां पे आपको मीटिंग भी ज्वाइन करना है, तो उस दौरान आप अपने समय का चिंतन में प्रयोग करेंगे, जैसे किसी भी टॉपिक के बारे में आपने जो पढ़ाई किया है उसके पॉइंट वार उसके जो भी पॉइंट उसमें निहित है, जो भी आर्टिकल्स उसमें आए हैं, उन चीजों को आप मनन करने का प्रयास करेंगे, यानी कि रिकॉल करना, उसके बारे में सोचना। किताबों से यहां कोई मतलब नहीं है, आपको उन पॉइंट्स को जो टॉपिक आपने पढ़ा उसको बिंदुवार रिकॉल करना है, और रिकॉल आप बैठ करके आराम से कर सकते, किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, बस आपको अपने में जो है सोचना है, उस टॉपिक के बारे में सोचना है और उसके आधार पर आपको तैयारी करनी है। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत हो कि अकेले अकेले बात करता है, सोचता है, तो उस बातों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छे उद्देश्य के लिए, आप अपने पद के बेहतरी के लिए, आप अपने एक नई भूमिका के लिए, समाज को कुछ दिखाने के लिए और कुछ करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह मान के चलिए कि आपको इस तरीके से क्लास में टी टाइम, लंच टाइम या मीटिंग में कई बार एक एक घंटे, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे वेट करना पड़ता है, तो वहां पर आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि इस तरीके से रिकॉल की गई चीजें आपके माइंड के न्यूरॉन्स को जो है एक्टिवेट करते हैं, और वो चीजें आपके मन और मस्तिष्क में इस तरीके से सेट हो जाती हैं कि एग्जाम में खुद ब खुद वो आपको आती हैं कि आपको क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या बताना है। तो इस तरीके से अपने समय का सदुपयोग कीजिए। रात में आप सोने जा रहे हैं तो 10 से 15 मिनट में आप अपने बेड पर इस तरीके की चीजें कर सकते हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आप कोई भी टाइम है 10 मिनट 5 मिनट का कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सिस्टम तो बहुत ही साइंटिफिक ढंग से बताई जा रही है, बहुत ही कैलकुलेटेड ढंग से आपको बताई जा रही है, लेकिन ध्यान रहे कि आप कि ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसी आर्थिक स्थिति हो सकती है, ऐसी पारिवारिक स्थिति हो सकती है कि आप किसी अच्छे पद पर जाने के लिए अपने पद को छोड़ नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर उस पद के साथ में एक नए पद पर एक नए जिम्मेदारी को प्राप्त करने के लिए, अपने पद की बेहतरी के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं उसको पाने के लिए, करने के लिए आपको अनुशासित होकर के और इस तरीके से एक बेहतर कॉन्सेप्ट को जो है अपने साथ लेकर के तैयार करने की जरूरत होगी, तभी आप उस पद पर पहुंच पाएंगे। और यह गतिविधियां मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं स्वयं इन बिंदुओं को अपने लाइफ में उतारने का प्रयास किया, ये मेरे कैरियर की चौथी सर्विस है और मैं अपने पीरियड में भी इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के नियम को इंप्लीमेंट करने का कई बार प्रयास किया है और मुझे स्वयं इन बातों से, इन बिंदुओं से काफी फायदा हुआ है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। तो निश्चित तौर पर इन बिंदुओं को अपना करके आप अपने
तैयारी में बेहतर परिवर्तन देख पाएंगे। तो अगला पॉइंट है यहां पर मनोविज्ञान। मनोविज्ञान एक ऐसा बिंदु है, क्योंकि आप एक सर्विस में हैं, आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपके पास एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि मेरे पास तो एक सर्विस है ही। आप वहां पर हेजिटेशन में नहीं रहेंगे, आप किसी भी प्रकार की चिंता या इस तरीके के प्रेशर में नहीं रहेंगे कि अगर इस एग्जाम में नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, क्योंकि आपके पास तो जॉब ऑलरेडी है। और जो व्यक्ति किसी भी जॉब में नहीं होता है, मैं यकीन मान करके चलिए कि इंटरव्यू में उसके पैर तक कांपते हैं और ठंडी के सीजन में भी उसके माथे से पसीना आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको कुछ न पाने का गम होता है। अगर वहां पर उसका अच्छा चयन नहीं हो पाता है तो वो पुनः वो जो है बैकफुट पर चला जाता है। और चूंकि अगर आपका चयन नहीं भी हुआ, ये तब इसको नहीं सोचना है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो आपके पास एक जॉब है, इसलिए ये मनोविज्ञान आपके साथ हमेशा काम करेगा और यहां से आप मजबूत होने का प्रयास कीजिए। ये जो पॉइंट है ना, ये आपके प्रिपरेशन को 20-30% जो है इनहेंस करता है। और जिसके पास जॉब नहीं है वो यहां से 20-30% आपकी तैयारी से कम स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि आप इतना कॉन्फिडेंस में रहेंगे और जब सहज और सरल ढंग से आप किसी भी विषय को सोच करके उत्तर पुस्तिका में अंकित करने का प्रयास करेंगे तो आप वही चाहेंगे और जो आप चाहेंगे वही एग्जाम के बाद रिजल्ट में आपके पास होगा। तो इन सारे बिंदुओं के साथ आप अपने तैयारी को डेफिनेटली एक नई दिशा में शुरू करने का प्रयास कीजिए और इन बिंदुओं की बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। मैं निश्चित मान करके चलता हूं कि आपके जीवन में एक हफ्ते इस बात को आप करने का प्रयास कीजिए, आप स्वयं कमेंट करके बताएंगे कि यहां से और इन बातों से आपके जीवन में काफी कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। तो मैं चार लाइनों के माध्यम से अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, और रखता है जो हौसला आसमान को छूने की, उसे कभी भी डर नहीं होता है जमीन पे गिर जाने की। जय हिंद।